Hey everyone, welcome back to my channel, The Kitchen Roaster. तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्रिस्पी चटपटे समोसे की रेसिपी. तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं. चलिए तो सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे. अब हम 5 टेबल स्पून वनस्पति घी ऐड करेंगे, या आप यहाँ पे चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं. 1/4 टीस्पून अजवाइन. अब हमें घी को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है. अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सेमी हार्ड डो रेडी कर लेंगे. देखिए तो डो हमारा रेडी हो गया है. अब इसे हम कवर करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे. 4 मीडियम साइज के यहाँ पे हमने कच्चे आलू ले लिए हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से धुलकर छील लिया है. देखिए तो हमें आलूओं को ऐसे छोटा छोटा कट कर लेना है. तो यहाँ हमने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है. ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून क्रश्ड सौंफ. चलिए तो अब हम आलूओं को ऐड कर देते हैं इसमें. अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग. चलिए तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. अब हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते. आप यहाँ पे पुदीने के पत्तों को जरूर ऐड करें, इससे हमारी फिलिंग का टेस्ट काफी अच्छा हो जाएगा. अब हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, और आप यहाँ चाहें तो हरी मटर भी ऐड कर सकते हैं. चलिए तो इसे अब हम कवर कर देते हैं और अच्छे से पकने देते हैं. देखिए तो करीब 10 से 15 मिनट पकने के बाद हमारे आलू पककर तैयार हैं. अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर. इसके साथ ही हम बारीक कटी हुई हरी धनिया भी ऐड करेंगे. धनिया और अमचूर पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसे हम 1 मिनट के करीब और पका लेंगे. देखिए तो हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है. देखिए तो डो का अब हम इतना पोर्शन लेंगे. अब हमें इसे लेंथ वाइज बेल लेना है. शीट को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा शीट को हम मोटा रखेंगे. अब हमें शीट को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और 1 पोर्शन ले लेंगे. इस पार्ट को भी हम हल्का सा बेल लेंगे. देखिए अब हम शीट के इस पार्ट पे पानी लगाएंगे. शीट के दूसरे एंड को हम इस पर लाकर अच्छे से चिपका देंगे, और आगे से भी हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे समोसे पकाते समय खुले ना. चलिए तो अब हम फिलिंग को ऐड कर देते हैं. हमें पीछे से इसको ऐसे फोल्ड करके चिपका देना है. देखिए तो यहाँ समोसे की बैक साइड पे हमने पानी लगा दिया है. इसे हम पीछे से ऐसे पकड़कर चिपका देंगे. देखिए तो हमारे समोसे बनकर तैयार हैं, पर इन्हें हम तुरंत फ्राई नहीं करेंगे. इन्हें करीब हम 15 से 20 मिनट रख देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें फ्राई करेंगे. तो यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने वनस्पति घी ऐड किया है. आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं. और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें घी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म हम रखेंगे. फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है, उसके बाद ही हम इसमें समोसे ऐड करेंगे. हमें समोसों को ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाते रहना है. देखिए तो हमारे समोसे एक साइड से हल्के से ब्राउन हो गए हैं. चलिए तो इसे अब हम पलट देते हैं. अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे. हमारे समोसे बनकर बिल्कुल तैयार हैं. चलिए तो इसे अब हम निकाल लेते हैं. हमारी इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करके देखें. अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग.